नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है। अब जब हमने मिट्टी की परख कर ली और उसे अधिक उपजाऊ भी बना लिया है, अब समय है कि हम वृक्षारोपण शुरू करें। मियावा की पद्धति में ये माना जाता है कि कम से कम 60 से 100 मूल निवासी प्रजातियों की वृक्षारोपण किया जाए। ये समझना इतना कठिन नहीं है कि ऐसा क्यों किया जाना चाहिए। हर प्रजाति हजारों सालों की क्रमिक विकास का नतीजा है। इसका विकास आसपास के पर्यावरण के अनुकूल हुआ है और ये अत्यंत आवश्यक है कि हम मूल निवासी प्रजातियों का वृक्षारोपण करें ताकि वहाँ के जैव विविधता बरकरार रहे। एक मूल निवासी वृक्षारोपण से हर टुकड़ा वन्य जीवन के पालन पोषण की एक सामूहिक कोशिश का हिस्सा बन जाएगा, जो कि वहाँ के इकोसिस्टम को सुधारेगा। अब एक मनुष्य प्रधान भूमि प्रदेश कार्यशील पारितंत्र को सहारा नहीं देता और जो बची कुची अलग थलग प्राकृतिक क्षेत्र है वो वन्य जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। मूल निवासी वृक्ष वो है जिनका उस क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से क्रमिक विकास हुआ है। वे पर्यावरणीय आधार है जिन पर जीवन टिका हुआ है, चाहे पक्षी हो या प्राणी। उनके बिना जिन कीट और पक्षियों का उन वृक्षों के साथ क्रमिक विकास हुआ है वो बच नहीं पाएंगे। चाहे आप जहां रहते हो, मूल निवासी वृक्ष सैकड़ों सालों से उस पर्यावरण के अनुकूल होने के लिए क्रमिक विकास में लगे हुए हैं और पर्यावरण के जीवन चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और क्योंकि उनका विकास वहां के पर्यावरण के अनुकूल हुआ है, उन्हें काम समय तक देखभाल की जरूरत है और उनका उस पर्यावरण में बचे रहने की संभावना अधिक है। हम सभी को पता है कि वृक्ष आवश्यक होते हैं। अगर बात करें मूल निवासी वृक्षों की प्रजातियों के महत्व की, मूल निवासी वृक्ष वहाँ के मूल निवासी वन्य जीवन के लिए आवास प्रदान करते हैं। यहाँ तक के एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए भी कई मूल निवासी पक्षियां सिर्फ मूल निवासी वृक्षों पर ही अपना घोंसला बनाती है। तो अगर वो मूल निवासी वृक्ष चले जाएं, तो वो पक्षियां भी विलुप्त हो जाती है। ऐसा हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपके क्षेत्र के मूल निवासी वृक्षों की प्रजातियों को पहचानना थोड़ा मुश्किल काम है, तो सबसे अच्छा तरीका इसे जानने का है कि आप अपने आसपास के सबसे घने जंगल में जाकर घूमें। अगर आपके क्षेत्र में कोई जंगल नहीं है तो आप 50 या 100 किलोमीटर की दूरी तक भी मान्य है। वृक्षों की प्रजातियों का पहचानने का थोड़ा कठिन काम है, तो आप उनके पत्तों के क्लोजअप फोटोज भी ले सकते हैं। पूरे पेड़ का फोटो, उसके फूलों का या फलों का फोटो भी ले लीजिए। कई किताबें उपलब्ध हैं जिनमें आपको पेड़ों की प्रजातियों के बारे में पता लग सकता है, या फिर आप इंटरनेट पर ऑनलाइन भी खोज सकते हैं। आप कृषि विद्यालय, वन विभाग या आपके क्षेत्र के किसी वनस्पति वैज्ञानिक के पास भी जा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है तो आप हमें अपने सवाल भी भेज सकते हैं। हमें खुशी होगी आपके क्षेत्र के मूल निवासी वृक्षों के बारे में आपको बताने में। हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जैसे कि हमने पहले चर्चा की, मियावा की पद्धति के अनुसार आप जितना हो सकते हो उतना मूल निवासी प्रजातियों का वृक्षारोपण करें। आप अधिक से अधिक विविध मूल निवासी प्रजातियों के पौधे लगाएं। आदर्श रूप में एक बड़े प्लॉट में 30 से अधिक या फिर एक छोटे प्लॉट में 20 से 30 विविध प्रजातियों के पौधे लगाएं। आदर्श रूप में आपके पौधों में फूल, फल, औषधि, इमारती लकड़ी प्रजातियां मिश्रित होनी चाहिए। अब आशा है कि इस भाग से आपके कुछ सवाल हल हुए होंगे। अगले भाग में मिलते हैं और जानते हैं कि पौधे कैसे लगाएं और उसके बाद उनका पालन पोषण देखरेख कैसे करें। धन्यवाद।